सिंपल और टेस्टी रेसिपी जो कि है मटन स्टू की। देखिए मैं प्याज चॉप कर रही हूँ, मैं 3 प्याज लगभग लूँगी स्टू के लिए, और एक टमाटर, बस एक टमाटर ज़्यादा नहीं, और 3 या 2 4 ग्रीन चिलीज। प्याज को बारीक बारीक ही काटना है, क्योंकि ऐसे आमतौर पर जब भी हम मटन या चिकन बनाते हैं कुकर में, तो उसको हम लोग ऐसे ही बस रफली चॉप करके डालते हैं, पर ये जो है इसको मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। स्टार्टिंग में ही प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे, फिर मटन उसके साथ फ्राई करेंगे। उसके साथ ही मैं टमाटर भी ऐसे बारीक बारीक चॉप किए हैं, वैसे नहीं स्क्वायर शेप में नहीं काटना है, चिप्स फॉर्म में काटिएगा तो टमाटर जल्दी गल जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा। मैं जनरली जब भी गोश्त बनाती हूँ तो बस सारे मसाले एक बार में, मटन को बस ऑयल में फ्राई करके सारे मसाले एक बार में डाल के मैं उसे गला लेती हूँ। फिर उसके बाद जब वो गल जाता है तो हम उसको भूनते हैं जब तक कि तेल ना छोड़े, पर इसको हम अलग तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने हल्दी ली है, वो भी हाफ टी स्पून, 1 1/2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1 फुल टी स्पून रेड चिली और ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून लिया है, और साथ में मैं क्रश्ड रेड चिली पेपर डालूँगी, वो एक बड़ी सी रेड चिली। ये भी इसको फ्लेक बना के डाल देना। चीज़ मैंने ये डालना है जब मैं कुकर बंद करने लगूँगी तब ये डालूँगी, इसको धुल के अच्छे से वॉश करके तब इसको साबुत डाल। देखिए मैंने, मेरा कुकर गर्म हो गया। अच्छा प्लीज मत छुओ ना, मैंने इतने मसाले लिए, ये मेरा बिंदी तेज पत्ता और 4 5 ब्लैक पेपर, 2 लौंग, उससे बहुत अच्छा। बाकी सब मसाले में नहीं डाल दी, ज्यादा इतने ही डालना है, ये पॉप अप हो जाएंगे। मेरा गोश्त जो है 500 ग्राम लगभग होगा, इसमें लहर बना रही है। ये बाकी सब तो मैं सब कुछ मसाले डाल के कुकर लगा के फिर बाद में भूनती हूँ, पर ये वाला मैं थोड़ा प्याज भूनूंगी तब जाके गोश्त डालूंगी, थोड़ा प्याज हो जाएगा तब। देखिए मेरा प्याज सब कुक होना शुरू हो गया है, लूज होना शुरू हो गया है। अगर आप प्याज अलग कर लेते हैं तो कुकिंग टाइम थोड़ा। देख रहे हैं ये फ्लैक्स सीड्स है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, ये बहुत अच्छा सुपर फूड है, डॉक्टर ने बताया है। इसे आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए, आप अपने सैलेड्स में, पूड़ी, पराठे के डो में और बहुत सी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मेरे प्याज जो हैं बहुत अच्छे से गोल्डन से होने लगे हैं, एकदम रेड नहीं करना है, जलाना नहीं है, बस इतना होना चाहिए ताकि ये जब पके तो पानी में ये अपने आप ही गल जाए। प्याज का एक टेक्निक होता है, मतलब आप जिस तरह से पकाएंगे वैसा वो रहेगा, तो इसका ख्याल रखना है। अब मैंने ये गोश्त डाल दिया है, मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के, मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ गोश्त को, धुल के क्लीन करके ताकि टाइम बचे, क्योंकि कुकर में तो गल ही जाना है। देखिए मेरे गोश्त की क्या हालत है, अब इसे मैं भूनूंगी थोड़ा देर, और फिर इसके बाद जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वो भी 1 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने इसमें साबुत लहसुन भी ऐड करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और अदरक लहसुन आप 2 तरीके से डाल सकते हैं, अगर आप जल्दी में तो अवॉइड कीजिए, लेकिन 2 तरह से डालिए, गलाने के टाइम आधा डाल दीजिए और आधा जो है भुनने के टाइम, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बहुत चटपटा सा, मज़ेदार सा। ये मेरे नाना की टिप थी, वो हमेशा ऐसे ही करते थे, वो 3 4 बार में अदरक लहसुन डालते थे थोड़ा थोड़ा भून भून के, भुनने का बहुत अच्छा
गोश्त पे वो होता है, टेस्ट अलग इन्हांस हो जाता है। अब मैं अपने टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ। देखिए ज़्यादा टमाटर नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा फिर मीठा मीठा सा फीका सा टेस्ट आने लगता है। अगर ये इस बात का ख्याल रखना है, आप जितना टमाटर डालें उस हिसाब से आपको मिर्च भी डालनी पड़ेगी, ताकि चटपटा सा टेस्ट आए, फीका ना आए, मीठा ना लगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसके बाद अब मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ नमक डालना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिए, मैं जनरली इस डब्बे के हिसाब से डालती हूँ, 2 बार इसको 3 बार पुश करती हूँ तो मेरा सही रहता है नमक। अब इसको मैं अच्छे से चला के फिर कुकर वो कर दूंगी। और फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बंद तो कर दिया कुकर में, फिर मेरा कुकर धोखा दे दिया। फिर मैंने इसे खोल के ढक के बस पकाया है दम पे, और काफ़ी टाइम लिया, पर 40 मिनट, अगर गोश्त फ्रेश है तो 30-35 मिनट में हो जाएगा, अगर ज़्यादा वो है तो फिर। अब मैं बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया, रेड चिल्ली, हल्दी, ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली फ्लेक्स, ठीक है। और मैंने गरम मसाला वो एंड में ऐड करूँगी खुशबू के लिए, वो मेरा होममेड है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में कि अगर आपको मेरे गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ये सारे मसाले गए अंदर गोश्त के, अब ये बनेगा। अब क्योंकि पानी तो इसमें रहा नहीं है, पर थोड़ा गोश्त पानी छोड़ेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मेरे मसाले नीचे ना लगें। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसके लिए, थोड़ा टाइम लेगा, अभी तो गोश्त चिपका हुआ है, पिघलेगा फिर पानी छोड़ेगा, पर पानी डालना ज़रूरी भी है। और ये डिश बहुत अच्छी बनी थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी बनी थी। धीमे धीमे आज पे वो अलग ही बात आई थी, कुकर से बहुत अलग, जब आप धीमे धीमे दम पे पकाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेडी है ये, बहुत सी चीज़ों में फ़ायदेमंद है, बालों के ऐसी लिए, बात आंखों क्या के कर लिए, प्रिपेयर करी हो तुमने कोलेस्ट्रॉल, अपने लिए, बीपी, थायराइड, ये बहुत तमाम, हेल्दी और हुआ कॉर्ड, आपके लिए, लिवर कॉर्ड आपके ऑयल लिए भी हर होता चीज़ है। के लिए। ये मेरा मटन स्टू तैयार हो गया। शुक्रिया, मेरा वीडियो ज़रूर देखिए।